रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम कंपैरिजन कर रहे हैं नंबरों का। कंपेयर करने का मतलब होता है एक को दूसरी चीज़ से देखना, वो छोटी है, बड़ी है या फिर उसके बराबर है। तो हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखेंगे नंबर छोटे हैं या बड़े हैं। लेकिन एक असूल याद रखना चाहिए कि अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को मुनफरिद बनाया है, हर एक को फ़र्क खूबियाँ अदा की हैं। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आप इंसान का जो किरदार होता है वो उसे अच्छा और खूबसूरत बनाता है, उसकी शक्ल सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया में किसी को दौलतमंद और ख़ूबसूरत देखो तो अपने से नीचे लोगों को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जैसे अपने से कम जिन लोगों के पास चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। और प्यारे बच्चों, हम सब के अंदर एक लीडर है, हमें पहल करनी है अच्छे कामों में, सच बोलने में, साफ रहने में। तो आते हैं हम अपने सबक की तरफ। हम नंबरों को कंपेयर करके देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये हमने पहले पिछले सबक में भी देखा था हमने कि ये ग्रेटर है, लेस है और इक्वल है। ये हम साइन जो है अच्छी तरह याद कर लें। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, लेस देन छोटा, और इक्वल टू है बराबर। जैसे 37 जो है, 37 जो है वो लेस देन 80 है, और 61 जो है वो मोर देन, ग्रेटर देन 8 है, और 3 इज़ इक्वल टू 3 है, 3 के बराबर है। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं कि देयर आर 3 चिल्ड्रन, ये 3 बच्चे हैं, और देयर आर 3 बॉल्स, ये 3 गेंद हैं। अब अगले हम एग्जांपल में देखते हैं कि देयर आर 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं, और देयर आर 3 बॉल्स और 3 गेंद हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे ज़्यादा हैं, गेंद कम हैं। फिर इसी तरह हम इस मिसाल में देखते हैं कि ये 3 ब्लॉक्स हैं और नीचे वाली रो में 1 मोर है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये ऊपर 6 ब्लॉक्स हैं और नीचे 1 मोर इज देन 6, तो 7 इज 1 मोर देन 6। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके जाते हैं कि व्हाट इज 1 मोर देन 5। आप देखें कि 5 ब्लॉक से अगर एक ज़्यादा हो तो क्या होता है। शाबाश, यहाँ पे वीडियो रोकें और अपनी सवाल का जवाब देखें। 5 से आगे 1 मोर काउंट करें तो क्या आएगा, शाबाश 6 आएगा। तो 6 इज़ 1 मोर देन 5, तो 6 और 5 में 1 का फ़र्क है। अब हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ जाते हैं, अगली मिसाल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल का मतलब होता है मिसाल, और नेक्स्ट का होता है अगली। व्हाट इज़ 1 मोर देन 4, तो हमने देखा कि ऊपर वाली में 4 है और नीचे वाले 4 के बाद आगे क्या आएगा, 1 एक और ऐड करें तो क्या आएगा, शाबाश, तो ये आ जाएगा 5 और 5। सो 5 इज़ 1 मोर देन 4। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनको काउंट करें, इनके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ 1 मोर देन 8, तो आपने देखा कि 9 इज़ 1 मोर देन 8। तो आप जो हैं कॉपी पेंसिल लेके इसकी प्रैक्टिस करें। तो ऊपर वाले जो ब्लॉक्स हैं वो 8 हैं और नीचे वाले ब्लॉक्स जो हैं वो 9 हैं। तो 9 इज़ 1 मोर देन 8। तो दो ही सूरतों में किसी से रश करना चाहिए, एक वो बंदा जिसको अल्लाह ने दौलत दी और वो अल्लाह की राह में खर्च करता हो, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने इल्म से नवाजा हो और वो लोगों को सिखाए। तो प्यारे बच्चों, इल्म शेयर करने से, एक दूसरे को सिखाने से बढ़ता है। अल्लाह ताला हमें नेक इल्म सीखने वाला और जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे खर्च करने वाला बनाए। आमीन।